हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या भाई अनलॉक टूल के अंदर क्या ओप्पो के सारे मॉडल हो रहे हैं। देखो, ओप्पो जो है ना अभी क्वालकॉम सीपीयू जो ओप्पो का है उसमें सारे मॉडल अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन अनलॉक टूल जो कि अभी लेटेस्ट एक टूल आया मार्केट के अंदर, इसने अभी 26 तारीख को, आज 27 तारीख है, कल 26 तारीख को इसने ओप्पो के 4 मॉडल का अपडेट दिया था कि आप इनको विदाउट लॉस्ट फोटोज़। अब ये नहीं पता कि किसी ने करके नहीं देखा है, अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि सारा डाटा जाएगा नहीं जाएगा, जबकि इन्होंने कि इनकी जो वेबसाइट अनलॉक टूल की इस पर उन्होंने दे रखा है कि 26 तारीख को हमने अपडेट दिया है, इसमें हमने 4 मॉडल रखे हैं, ओप्पो रेनो 4 4G CPH 2113 CPH 2159 2235 और 1715, ये 4 मॉडल हैं जो कि ये अनलॉक हो रहे हैं इस टाइम। सारे मॉडल नहीं हो रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भाई क्या A3S हो रहा है, क्या A53 हो रहा है, क्या भाई ये नहीं हो रहे। कभी भी अपडेट मांगना हो तो इनके अनलॉक टूल की जो वेबसाइट है unlockedtool.net पे आप जाएं और लेटेस्ट, बस इस पे अनलॉक टूल पे क्लिक करो, यहाँ पे जो लेटेस्ट हुआ होगा ना इनका वर्जन आएगा, ये क्या आ रहा है। अच्छा ठीक है, सपोर्ट मॉडल तो ये हो गया, डाउनलोड पे ही हम गए, यहाँ पे डाउनलोड पर ऑप्शन आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा कि किस तारीख को लेटेस्ट अपडेट आया है, और आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे क्या कि जो मेरा टूल है ना इसके अंदर ओप्पो के सिर्फ 4 मॉडल हैं, तो आपको बता दूं, मैंने सोचा क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने पूरी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं छोटे से एक वीडियो है कि ओप्पो के सारे मॉडल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 4 मॉडल, जबकि मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक इन मॉडल का मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया है, ये मॉडल बहुत मतलब ऑफ वाले मॉडल दिए हैं इन्होंने। अगर A3S वगैरह कुछ दें तो कुछ शायद प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये मॉडल मार्केट के अंदर नहीं है, ये मेरे हिसाब से मेरे पास तो आज तक आया नहीं है। रेनो 4 आज तक किसी ने पूछा नहीं है, क्वालकॉम वाला तो ये रेनो 5 हो गया, 5 प्रो के अंदर इसमें MTK है, 6 हो गया, 6 प्रो के अंदर अलग है, A77 आता है, A77T है कोई सा, ठीक है, ये 4-5 मॉडल निकाले हैं इन्होंने, लेकिन सारे नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो जैसे अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा।